केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मोदी सरकार से बड़ा झटका लगा है। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का एरियर नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने कर्मचारियों का पक्ष लेते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने से रुके हुए डीए के एरियर का इंतजार था, लेकिन अब उन्हें ये भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारी खासे नाराज हैं। एरियर न मिलने से तकरीबन 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले को लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। 18 महीने से रुके हुए डीए के एरियर का भुगतान न दिए जाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि सरकार की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब क्या ये है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी नहीं मिले? केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का एरियर देने से मना करना एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार करना है। सरकार बताए, लगातार बढ़ते जीएसटी कलेक्शन, कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का पैसा कहां जा रहा है? अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मायने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं। एक तरफ महंगाई का बढ़ना, दूसरी तरफ महंगाई भत्ता न मिलना, सीमित आय वाले कर्मचारियों पर दोहरी मार है। घर की चिंता जब सिर पर हावी होगी तो कार्य क्षमता पर भी असर होगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भाजपा की सरकारें वैसे भी चुनाव लड़ती हैं, काम तो करती नहीं है, और जो काम करते हैं उनको उचित वेतन नहीं देती। बता दें कि एरियर न दिए जाने की ये जानकारी मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर सरकार के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।